हो चुकी है, सुबह के 7 बज रहे हैं, आज है दशहरा। दशहरा की आप सबको हार्दिक शुभकामना, हैप्पी दशहरा। तो दशहरा की शुरुआत मैं सूर्य के साथ कर रही हूँ, सूरज निकल आए हैं। स्वागत करती हूँ। आज है दशहरा, तो दशहरा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, शुभेच्छा, हैप्पी दशहरा। तो आज इस वीडियो में मैं छोटा सा दशहरे का वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मुझे एडिटिंग वगैरह अच्छे से नहीं आती है, तो लेकिन फिर भी मैं बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ कि कुछ नया वीडियो मैं दिखाऊँ इस बार। तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको पूरे वीडियो के दौरान। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरा नहाना वगैरह हो गया है, तो मैं आज पाव भाजी बनाने जा रही हूँ सुबह के नाश्ते में। बच्चे अभी सो ही रहे हैं, तो ये पाव भाजी की रेसिपी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी, अभी शॉर्टकट में ही सिर्फ दिखा रही हूँ। जब तक मेरी भाजी बनके रेडी होती है तब तक मैं पाव को सेक लेती हूँ। इसमें बटर डालेंगे हम 1-2 चम्मच, और जो मैंने भाजी बनाई है पाव के लिए वो उसमें 1-1 चम्मच डाल देंगे पाव के अंदर, और उसको हम तवे पे सेक लेंगे बटर में, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर वो सब्ज़ी डाल के हम बटर सेकते हैं पाव को, तो ये देखिए मेरी पाव भाजी बन के रेडी हो गई है, होममेड पाव भाजी। नाश्ते में आज हम यही करने वाले हैं। नाश्ता हमारा फिनिश हो चुका है, तो अभी मैं फूल लाई थी मार्केट से, तो वही मैं माला बना रही हूँ। नीचे गाड़ियों को पहनाऊँगी और दरवाजे पर भी हम लगाते हैं दशहरे के दिन माला। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। आप पत्ती देख रहे होंगे मैं काट रही हूँ, इस पत्ती को सोना बोलते हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा। अभी मैं दरवाजे पे रंगोली बना रही हूँ, फेस्टिवल के दिन दरवाजे पे रंगोली बनाई जाती है, मैं वही कर रही हूँ। महाराष्ट्र में पर डे बनाते हैं दरवाजे के सामने रंगोली। अभी माला बनाना हो चुका है, तो मैं नीचे आई हूँ पार्किंग में गाड़ियों के ऊपर माला चढ़ाने। ये कार के ऊपर मैं हल्दी कुमकुम कर रही हूँ। अभी ये बीनू की बाइक है, उस पर भी मैं फूल
और हल्दी कुमकुम चढ़ाऊंगी। हो गया है मेरा चढ़ाना दोनों गाड़ियों को। अब लास्ट में बचा एक छोटा सा माला जो समर्थ की साइकिल को चढ़ने वाला है। समर्थ हर साल अपनी साइकिल को भी बोलते हैं एक माला चढ़ा दो, तो उनकी साइकिल भी हल्दी कुमकुम हो रहा है। मेरी पूजा तो ख़त्म हो चुकी है, अब समर्थ अपनी साइकिल को हल्दी कुमकुम अभी कर रहे हैं। अभी ये कार पे स्वस्तिक बना रहे हैं। मैं तो सिंपल सी ऐसे पूजा कर लेती हूँ, लेकिन ये हर साल स्वस्तिक बनाते हैं इस गाड़ी के ऊपर। देखिए इनका स्वस्तिक कंप्लीट हो चुका है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम चलिए नीचे की पूजा हमारी फिनिश हुई, अब मैं आ रही हूँ ऊपर। तो ये है शाम का टाइम, तो शाम को पूजा करने के पहले मैं प्रसाद बना रही हूँ, खीर और पूरी। तो मैं दशहरे के दिन खीर और पूरी का ही प्रसाद चढ़ाती हूँ राम जी को। मैंने ये माँ से ही सीखा है, क्योंकि मेरी माँ हमेशा खीर और पूरी का प्रसाद भोग लगाती थी, तो वैसा मैं भी करती हूँ हर साल। आप सब कैसे मनाते हैं दशहरा या कैसे करते हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरा प्रसाद बनाना हो चुका है, अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, शाम की पूजा। तो मैं शाम की पूजा कर रही हूँ दशहरे के दिन। पूजा में मेरे साथ दोनों बच्चे भी बैठे हैं आरती करते टाइम। और जब भी मैं रोज की पूजा हो या कोई फेस्टिवल की पूजा, तो पूजा शाम को पर डे मेरे साथ दोनों बच्चे बैठ के करते हैं। उनको मैं बैठाती ही हूँ अपने साथ 10 मिनट पूजा में, शाम की पूजा में। सुबह की पूजा में तो वो नहीं बैठते हैं, क्योंकि दोनों सोते ही रहते हैं ज़्यादातर। ये फ़ोटो मेरे सास और ससुर की है। तो घर में कोई बड़ा मेंबर नहीं है, आधा सहरा है, तो इन्हीं का आशीर्वाद लेके मैं दशहरा स्टार्ट करूँगी। अभी अथर्व और समर्थ दशहरा मिल रहे हैं, अब सोना देने की शुरुआत स्टार्ट हो गई है अथर्व और समर्थ से।
देखिए एक दूसरे को उन्होंने सोना दिया और गले मिल रहे हैं। जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय। शिवानी आ गई है सोना देने समर्थ को, इनका सोना देना हो चुका है। मनीषा भाभी और स्वाति भी आए हैं। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आप इन दोनों को जानते होंगे, ये दोनों मेरी फ्रेंड हैं। और नहीं जानते हो तो मिलवा देती हूँ, ये मनीषा भाभी और स्वाति थी। हम सबका सोना देना स्टार्ट हो चुका है। ये दशहरे में बहुत खास प्रथा होती है महाराष्ट्र में कि हम दोनों सोना देते हैं। और पहले मैंने आपको बताया है माला बनाते टाइम कि सोना एक पत्ती होती है, उसको देके हम दशहरा मनाते हैं। अभी मैं स्वाति को सोना दे रही हूँ। सोना देने के बाद हल्दी कुमकुम लगाते हैं एक दूसरे को और गले मिलते हैं, यही सोना देने की प्रथा होती है। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम बेस्ट फ्रेंड ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये सोना हम देते हैं और टाइटल में आपको समझ आएगा कि ये सोना क्या होता है। तो भाभी को मैं सोना दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। चलो खुश रहो भाभी। हार्दिक शिवानी आखिर में आ गई है। देखिए ये शिवानी है। हेलो, हाय करो शिवानी। हेलो सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत सुरक्षा शुभकामना हम सबकी तरफ से आप लोगों को। और ये तो वीडियो आप पहुंचेगा दशहरे के बाद, लेकिन अभी से आप लोग को बोल दे रही हूँ हार्दिक शुभेच्छा बहुत बहुत। श्री मुझे सोना दे रहा है, लेकिन वो सिर्फ सोना लेता है, देता नहीं है, क्योंकि उसको बहुत काउंट करना रहता है।
अथर्व भी आ चुके हैं वापस, देखिए। स्वाति को बहुत ज़्यादा पसंद है अथर्व, तो मुझसे दूर हो जाते हैं जब स्वाति आ जाती है घर में, तो देखिए। यह हम लोग की थोड़ी सी पिक्चर है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक पे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।